हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 जो हमारा चल रहा है। इसके अंदर एक टॉपिक है जी, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। टॉपिक नंबर है जी 12.11। क्या है नाम? कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन के अंदर दोनों चीजें आ सकती हैं, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी ना देख लेते हैं डेफिनेशन। तो सबसे पहले तो आप हो गए जी, डिफाइन की सेंस में आप लिखते हो जी डेफिनेशन, इसको बड़ा करके लिखते हैं डिफाइन। ठीक है, अब इसकी कंपैरिजन जब भी आपको आए ना, तो आपने डिफरेंस या कंपैरिजन हमेशा ना यूं एक सेंटर में इनकी लाइन लगाकर ना इस तरह लिखना होता है, अच्छा सा डिजाइन सा बनाकर। ठीक है, अब जहां पर दूसरी चीज आएगी ना, वहां पर आपने ये लाइन कट करनी है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं कि इस जगह आपने लिखोगे डेफिनेशन द फोर्स बिटवीन, इस साइड पर आप इधर ऊपर स्टार्ट में इनका दे दोगे नाम, जैसे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। फिर आप लिखोगे डिफाइन, डिफाइन में लिखोगे द फोर्स बिटवीन मैसेस। ठीक है, और इधर लिखोगे द फोर्स, यानी कि आप डिफाइन लिखोगे, मैं पूरी नहीं लिख रहा, द फोर्स बिटवीन चार्जेस। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आप इसका लिख सकते हो इधर दूसरी चीज में फार्मूला। ठीक है, अब फार्मूला के बाद आप ऐसे एक लाइन लगा दोगे। तो फार्मूले के लिहाज से आप देख लो कि इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है जी F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। इसका फार्मूला है F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। के की जगह बल्कि आप लिखो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद फार्मूला के बाद आप लिख दो कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कंपेरिजन में आप काफी चीजें लिख सकते हैं इसकी कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स के सेंस में आपने लिखना है, इधर आप कह दो कि इसका कॉन्स्टेंट है जी, वैल्यू कितनी है जी की 6.-11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका जो कॉन्स्टेंट है उसके कॉन्स्टेंट का नाम है जी के, वो है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप इधर लिख सकते हो कि भाई क्वालिटी या क्वालिटेटिव नेचर, कि क्वालिटी कहेंगे कि भाई इसकी जो मिकदा खसूसियत है वो किस तरह की है। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई सर ये जो है आपके पास फोर्स ये होती है जस्ट अट्रैक्टिव, और ये दोनों हो सकती है बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो क्वांटिटी वाइज, यानी कि इनकी मिकदार कहाँ तक है, क्वांटिटिव नेचर। उसके अंदर आप क्या कहोगे, इसकी जो है लॉन्ग रेंज है और कहाँ तक फैली हुई है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इसकी क्या है रेंज, कैसी है आपको पता है जी, इसकी शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज आपको पता है कि भाई ये चार्ज से थोड़ा दूर हो जाए तो इसकी फोर्स की वैल्यू बहुत कम होगा, अल्टीमेटली खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो शील्डिंग, इधर क्या शील्डिंग। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि आप कहोगे कि भाई इट कैन बी शील्डेड इट, सॉरी ये दूसरी थी, इट कैन नॉट बी शील्डेड, और इसका लिख सकते हो इट कैन बी शील्डेड। अच्छा, ये होगी। उसके बाद अब मैं उधर दोबारा आता हूँ, तो अभी इसको पढ़ा देता हूँ फिर आपको बता दूँ। डिफाइन में आप लिख दोगे भाई ये फोर्सेज मैसेज के दरमियान में चार्जेस, इसका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला ये है, ये इसका जो कॉन्स्टेंट है वो ये है, इसका कॉन्स्टेंट ये है। उसके बाद ये अट्रैक्टिव होती है, लेकिन ये बहुत अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होती है, ये इन्फिनिटी तक लॉन्ग रेंज होती है, ये शॉर्ट रेंज होती है। उसके बाद ये शील्ड नहीं की जा सकती, देखो ना ग्रेविटेशनल फील्ड है, आप छत पे चले जो, आप किसी भी बिल्डिंग पे चले अर्थ आपको खींच लेती है, लेकिन ये किसी भी तरह क्या की जा सकती है, शील्ड की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद
आप इधर क्या सकते हो, मीडियम। अच्छा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है, तो इसका नया फार्मूला होता है वो के वो बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट, वेयर आप लिख सकते हो कि आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, उसके बाद ये मीडियम पे डिपेंड हो सकती है, और क्या लिख सकते हो, इनवर्स केरला, ये सिमिलैरिटी में लिख सकते हो आप। बोथ इधर आप लिख सकते हो, इट ओबेस इनवर्स स्केरला, और इधर भी आप सेम चीज लिख सकते हो, इट ओबेस इनवर्स स्केरला। ठीक है, ये आप इसकी एक और बना सकते हो। अच्छा, इसके ये तो सिमिलैरिटी होगी। अच्छा, डिसिमिलैरिटीज यानी कि तो आपको अभी बताया ना कि दोनों चीजें आ सकती हैं, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, और हमारे पास क्या आ सकता है, मीडियम आ गया, अट्रैक्टिव। अच्छा, इसके कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल स्मॉल कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू आप उधर ही लिख सकते हो, बीच के जो कांस्टेंट है वो वेरी स्मॉल है, इसका कांस्टेंट वैल्यू आता है। अच्छा, इसके अंदर आप एक चीज बता सकते हो, इफेक्ट में लिख सकते हो कि इसका जो इफेक्ट है वो कैसे होता है, वीक फोर्स है, ये बहुत वीक फोर्स है, और यह आपको पता है कैसी फोर्स है, स्ट्रोंगर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा, फिर इधर क्वालिटी के अंदर आप ये लिख सकते हो एक और, मतलब कि ये सारा खत्म हो जाएगा ना, इसकी जगह आप नई चीजें और ऐड कर सकते हो, जैसे कि यूनिवर्सल में आप लिख सकते हो, इट इज यूनिवर्सल फोर्स। ठीक है, इट इज यूनिवर्सल फोर्स। ठीक है, ये फोर्स क्या कैसी होती है, दोनों फोर्सेस कैसी हैं आपकी, यूनिवर्सल फोर्सेस हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी लिख लिए, तीन चार इधर थे, तीन चार इधर थे, 6, 7, 8, 9, 10 10 हमने पॉइंट्स बना लिए। इसके अलावा आपके जहन में कोई भी पॉइंट आता है इनकी कंपैरिजन में, जब आप कंपेयर कर रहे हो तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपका कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो लेकिन ये आपने जब भी लिखना है, आपने दोनों पोर्शंस के दरमियान में डिफरेंशिएशन का ये सिंबल लगा के इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल, फिर इनकी जो पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करें वो पॉइंट्स के सेंस में आपने इसे लिख देना है। ठीक है जी, ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में ही हमारे पास आता है और बड़ा आसान सा है, इसको याद करने की भी इतनी खास जरूरत नहीं है, रट्टा लगाने की, बस आप ये एक बार पॉइंट्स देख लो और इन्हीं पॉइंट्स को आपने अपनी वर्डिंग में क्या कर देना है, एक्सप्लेन। जैसे कि एक और कह सकते हो कि ये फोर्सेस जस्ट मैसेज पे डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक फोर्स जस्ट चार्जेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये भी आप पॉइंट इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, ये था आपका आज का टॉपिक, कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में बताएं। थैंक यू।